हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं सेकेंड में 2022 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स की दे दी है। अगर आप चाहें तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले हिंदुस्तान पेट्रोलियम में यहाँ पे फ्राइडे के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं फ्राइडे के दिन स्टॉक में हमें 4.20% का यहाँ पे एक नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 270.30 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे एक नेगेटिव मूवमेंट रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपका मंडे के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो आपको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे। और यहाँ पे आज के मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन डे के चार्ट में और वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की तो एवरेज से हमें वॉल्यूम जो है जरूर देखने मिल रहा है, लेकिन कैंडल यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ी बनी है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे वॉल्यूम एवरेज सा है इसका मतलब यहाँ पे सेलर जो थे वो ज्यादा नहीं थे लेकिन बायर्स यहाँ पे जरूर थे। तो यहाँ पे बाइंग यहाँ पे है ना हमें जरूर जो है देखने मिल रही है। इसकी वजह से यहाँ पे जो भी सेलर जो थे वो यहाँ पे नॉर्मल प्राइस पे जो है बेच रहे थे। यहाँ पे जो भी मार्केट प्राइस पे जो है यहाँ पे मिल रहा था मतलब जो भी यहाँ पे बायर्स जो थे वो उनको उनका जो भी जो है यहाँ पे प्राइस था उस प्राइस पे बाइंग हो रही थी। इसकी वजह से यहाँ पे स्टॉक भी हमें जो गिरते हुए देखने मिला है लेकिन बायर यहाँ पे जो है वो ज़्यादा नहीं थे और यहाँ पे फटाफट इसकी वजह से यहाँ पे बाइंग हमें देखने मिला और नीचे के साइड में हमारा प्राइस जो है वो ड्रॉप होते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे प्राइस इसलिए ही ड्रॉप हुआ है क्योंकि सेलर्स जो थे यहाँ पे वो मार्केट प्राइस पे सीधा यहाँ पे बेच रहे थे, महंगे में नहीं बेच रहे क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब क्या है मैं आपको बताऊँ। इसका मतलब यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग ज़रूर हुई है। इस ये कैंडल इतनी बड़ी हुई है लेकिन वॉल्यूम में यहाँ पे ज़्यादा हमें देखने नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सेलिंग यहाँ पे पैनिक में हुई है। इसकी वजह से यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो स्टॉक में ज़रूर एक हमें आने वाले दिनों में अपसाइड मूवमेंट का जो ज़रूर यहाँ पे जो है इशारा मिल रहा है। बाकी यहाँ पे मैं आपको RSI की बात कर लेता हूँ। RSI 40-41 के आसपास जो आ चुका है जो यहाँ पे भी हमें RSI एक पॉजिटिव मूवमेंट का जो इशारा देता है। लेकिन याद रखना हम जो है सिर्फ और सिर्फ RSI या फिर कोई और इंडिकेटर पे भरोसा जो है यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। कई और सारे फैक्टर्स है, कई और टेक्निकल इंडिकेटर्स होते हैं, इवन फंडामेंटल इंडिकेटर्स होते हैं, उसे भी हमें जो है एक बार गो थ्रू करना चाहिए अगर उस पर्टिकुलर स्टॉक का, ताकि यहाँ पे अच्छी तरह से हम जो प्रॉफिटेबल अपना जो ट्रेड ले पाए। बाकी यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम में जिस तरह से मैंने कहा एक पॉजिटिव मूवमेंट का यहाँ पे आने वाले दिनों में मुझे यहाँ पे अपसाइड मूवमेंट देखने मिल सकता है। करेंटली अपसाइड मूवमेंट यहाँ पे मैं कहूँ तो यहाँ पे इजीली 276 तक हमें देखने मिल सकता है, इवन यहाँ पे 281 तक जरूर देखने मिल सकता है। डाउनसाइड अगर मैं कहूँ अगर यहाँ पे डाउनसाइड जाएगा तो यहाँ पे एंट्री लेवल बढ़िया 266 इवन 265 का यहाँ पे एक बढ़िया एंट्री का लेवल है। उस रेंज में आप जरूर यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा 275 तक का टारगेट या फिर 280 तक का टारगेट आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन के साइड में ऑल नोटिफिकेशन यहाँ पे जो है बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन में जो ऑप्शन आता है उसको वहाँ पे आप जरूर क्लिक कर ले क्योंकि यहाँ पे जो है हम आप सभी के लिए 4 वीडियोस लाते हैं जिसका मतलब 4 स्टॉक्स के एनालिसिस लाते हैं जहाँ पे नेक्स्ट डे उस स्टॉक में क्या देखने मिला। मतलब मंडे टू फ्राइडे हम जो एवरी डे 4 स्टॉक्स के वीडियो लाते हैं 12 घंटे मार्केट ओपन होने से नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने से 12 घंटे पहले, तो उसको आप मिस ना कर बैठे। इसके वजह से बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन जो आप यहाँ पे याद से ऑन कर ले। बाकी अब जाते हैं हमारे 1 आवर के चार्ट में और देखते हैं फ्राइडे को क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे को स्टॉक में क्या हमें खास देखने मिलने वाला। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी हमारा 1 आवर के चार्ट में सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन मार्क्ड है लेकिन हमें कोई नया जो है डेटा देखने मिल रहा है उसको मैं यहाँ पे जरूर जो मार्क करके रख देता हूँ। तो जिस तरह से मैं यहाँ पे मार्किंग जो कर रहा हूँ आप जो सेम टू सेम अपने चार्ट पे जो जरूर मार्किंग्स कर ले क्योंकि ये सारी की सारी मार्किंग जो है वो आपको हेल्प करेगी अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करने में। तो यहाँ पे फिलहाल जो है थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है मार्क करके रख देता हूँ एक और यहाँ पे अब बात करते हैं इसके
क्लोजिंग के, तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें दोनों साइड का जो है एक डेटा देखने मिले, ऐसा कर देता हूँ। तो यहाँ पे 270.30 के आसपास जो यहाँ पे क्लोजिंग हुई है, डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे आता है 269.40 का, डायरेक्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे बनता है 271.75 का। तो याद रखना डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर कन्फर्मेशन कैंडल को देखते हुए जो यहाँ पे अपना ट्रेड लेना है। अगर आपको नहीं पता है कन्फर्मेशन कैंडल क्या होती है तो आई बटन में मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट एंड टारगेटिंग स्ट्रेटेजी का जो वीडियो ऐड किया है, जरूर जब उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे हमने किस तरह से आपको कन्फर्मेशन कैंडल देखनी है, किस तरह से यहाँ पे अपना टारगेट और स्टॉप लॉस को जो है मेंटेन करते हुए चलना है, साथ ही साथ इंट्राडे में चाहे हमारा स्टॉक नीचे जाए या फिर ऊपर जाए आप किस तरह से इंट्राडे में जो प्रॉफिट कर सकते हैं वो भी हमने आपको समझाया है। तो जरूर जब उस वीडियो को पूरा का पूरा देख ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में यहाँ पे मंडे के लिए, तो मंडे के लिए मेरा ओपिनियन कहने से पहले मैं इंपॉर्टेंट आपको दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या बनते हैं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट एंड डायरेक्ट रेजिस्टेंस वो यहाँ पे मैं आपको जरूर बता देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सपोर्ट के बाद अगला सपोर्ट आता है 268 का, उसके बाद क्या आता है 266.30 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद का अगला रेजिस्टेंस आता है 273.95 का, उसके बाद क्या आता है 276.60 का। तो यहाँ पे मैंने जो दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस यहाँ पे आपको बताए हैं, जरूर जब आप उसी को कंसीडर में रखते हो जब अपना मंडे के दिन का जो ट्रेड ले। अब रही बात यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में फ्राइडे की क्लोजिंग के बेसिस पे मंडे के लिए कहूँ, यहाँ पे जरूर मेरा ओपिनियन एक पॉजिटिव साइड का जो बन रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है स्टॉक में हमें 271.75 से लेकर 273.95 के बीच में क्लोजिंग जो देखने मिल सकती है। लेकिन गैप अप ओपनिंग हुआ और डायरेक्ट सपोर्ट को क्रॉस करते हुए हुआ तो 273.95 से लेकर 276.60 के बीच में भी हमें क्लोजिंग जो है देखने मिल सकती है। वो चीज़ आप जरूर देखें, अगर अच्छा मूवमेंट चाहिए तो यहाँ पे किस तरह से प्री ओपन मार्केट में स्टॉक जो है परफॉर्म करता है उससे भी आप जरूर जो है एक बार हमेशा जो है देखें, ताकि अच्छी तरह से हम एक प्रॉफिटेबल जो है ट्रेड ले पाए और एक अच्छा टारगेट भी जो है यहाँ पे हम लगा पाए। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में मंडे के दिन क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।